हेलो एंड वेलकम दोस्तों, रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट देख महेश भट्ट को कोस रहे हैं लोग, जमकर निकाल रहे हैं अपना गुस्सा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती एक्टर के घर वालों और फैंस के निशाने पर हैं और उनके साथ जिस नाम को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया जा रहा है वो है महेश भट्ट। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट इस वक्त सुर्खियों में है, जो ठीक उसी दिन की बताई जा रही है जिस दिन रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई थी, यानी कि 8 जून की। इस चैट में ये भी साफ हो रहा है कि रिया के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे और भट्ट साहब ने ही एक्ट्रेस को सुशांत को छोड़ने की सलाह दी थी। इस चैट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हैशटैग महेश भट्ट ट्रेंड होने लगा है और लोग सुशांत की मौत का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराने लगे हैं। रिया की इस चैट से साफ लग रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से सुशांत का घर छोड़ा था और वो उनके साथ खुश नहीं थी, जबकि इससे पहले रिया के वकील माने शिंदे ने कहा था कि रिया वहां से जाना नहीं चाहती थी लेकिन सुशांत ने जबरन उनसे जाने को कहा था क्योंकि उनकी बहन उनके घर आने वाली थी। अब रिया के वकील की बातें इस चैट से खुद झूठी साबित होते हुए नजर आ रही हैं। इस चैट के सामने आते ही लोगों का रिएक्शन एक बार फिर से महेश भट्ट को लेकर सामने आ रहा है। इस चैट में बातें कुछ इस तरह से लिखी गई हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को मैसेज कर लिखा है, आयशा, जलेबी मूवी में रिया का किरदार का नाम आयशा था, आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और एक शांति के साथ। आपके साथ आखिरी बातचीत में मेरी आंखें खोल दी थी, आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी थे और आज भी हैं। इस पर महेश भट्ट ने रिया को रिप्लाई करते हुए कहा है, अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो काफ़ी खुश होंगे। महेश भट्ट के द्वारा रिया के पिता की बात करने से जाहिर होता है कि उनके पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। चैट के दौरान रिया चक्रवर्ती मदद के लिए लगातार महेश भट्ट का शुक्रिया अदा करती नजर आईं। एक मैसेज में रिया ने महेश भट्ट को लिखा, आपने फिर मुझे आज़ाद किया है, आप मेरी ज़िंदगी के भगवान हैं। वहीं महेश भट्ट भी रिया को अपनी बेटी की तरह बता रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।